तो आज की हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं कस्टम फॉर्मेटिंग की। कस्टम सर मतलब हम नंबर टाइप कुछ और करें और सो मेरा कुछ और। जी सर एग्जांपल में मेरे पास चेक नंबर, और चेक नंबर हम डालते हैं 123685, बहुत अच्छा है। लेकिन जब चेक नंबर चार डिजिट का होता है तो दो जीरो लगा होता है, 00452। अब प्रॉब्लम है कि जब एंटर प्रेस करते हैं तो ये हट जा रहा है सर। तो सिंगल कोट लगा के हमने यहाँ पे 00 1245 किया तो रिजल्ट आपके सामने सामने आता है। तो हमने सिंगल कोट लगाने से क्या हुआ, तो सिंगल कोट लगाने से हमारा जो फ्रंट जीरो था वो टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वो पूरा नंबर। जी हाँ सही सही बोला, टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी सर। अब पूरे सेल में मुझे अगर नंबर ही लिखना है, चेक नंबर ही लिखना है, तो पूरे सेल को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे क्या कर देंगे, टेक्स्ट कर देंगे, टेक्स्ट कर देंगे, हो गया टेक्स्ट। जी सर। लेकिन किसी ने आपको नंबर भेजा है, उसने जीरो लगाया ही, जी सर, अब क्या होगा, अब तो आप अब जीरो लगाना पड़ेगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं कस्टम फॉर्मेटिंग इसको सिलेक्ट करेंगे, कस्टम फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और यहाँ क्या करेंगे, वन यहाँ पे 2 3 4 5 6 जी सर हो गया, तो आगे ऑटोमेटिक जीरो आ जाएगा। लेकिन इसे ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पे 00 सिंगल कोट लगा के 00 00 25 किया है। जी सर। इन दोनों को आपस में अगर हम मैच करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है जी सर। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ। जी सर कैसा क्यों हो, देखना जरूर देखी जैसा, लेकिन नहीं देखिए कोई भी फॉर्मेटिंग, किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं तो जस्ट विजिबिलिटी को चेंज करता है, ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं करता, नहीं करता, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं 00 00 25, पर एक्चुअल में इससे 25 है, लेकिन ये दिख रहा है 00 00 25, पर एक्चुअल में भी 00 25 ही है। जी सर। क्लियर है जी सर। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है कि अगर आपको अगर मैच प्रिंटिंग के लिए नहीं मैचिंग के लिए चाहिए तो टेक्स्ट फॉर्मूला लगाए, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सिक्स टाइम जीरो आ गया यहाँ पे 00 00 25। क्लियर है ओके। अब इस तरह से मान लीजिए कि मैंने मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर में +91 लगाना है, लग नहीं रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे +91 और एक जीरो या हैश दे दीजिए, आपका दिख जाए 8802572579388 आ गया। यहाँ पे आईडी डाली हुई है, मीटिंग आईडी डाली हुई है, इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ नंबर में कस्टम, यहाँ पे देंगे +91 नहीं सॉरी
123-123-123. यहां पे देखिए, जी सर, क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है। उसी तरह से अब यहां पे अकाउंट नंबर लिखता है, तो आप 9 डिजिट तक लिखते सही है, 10 डिजिट कर दिए सही है, दिख रहा है? जैसे 11 डिजिट करेंगे फिर भी दिखेगा 11 से। जैसे मैं 12 डिजिट किया, अब देखिए प्लस साइंटिफिक फॉर्मेट में, ठीक है जी सर। अब साइंटिफिक फॉर्मेट को कैलकुलेटर भी ऐसा ही होता है ना जी सर, कैसे करें चलिए बताते हैं। इसके ऊपर फॉर्मेट सेल में जस्ट हम देंगे एक हैश एंड ओके। यस सर, यस सर, एक सेकंड दीजिएगा सर, एक सेकंड। जी सर, लेकिन अगर आप इसमें नंबर डालते 15 डिजिट तक शो करेगा, जैसे 16 डिजिट करेंगे वो क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो, समझे सर? जी सर। 15 डिजिट के बाद आप जितना भी डिजिट नंबर डालेंगे वो 3 डिजिट जीरो में बदल जाएगा, जीरो में बदल जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका एक्सेल 15 डिजिट से ज्यादा की कैलकुलेशन एक्सेप्ट नहीं करता है, 15 डिजिट ज्यादा की कैलकुलेशन एक्सेप्ट नहीं करता, नहीं करता, समझे? उसके साथ सिंगल कोड लगाइए और 32,767 डाल सकते, डालिए कोई दिक्कत नहीं। ऐसे मेरे पास यहाँ पे मान लीजिए क्रेडिट कार्ड नंबर डालना है, तो डालने का फॉर्मेट यह है कि मैं पहले 4 डिजिट डालू, फिर हैश 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 हैश, फिर हैश है, एक्स 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 और फिर यहाँ पे नंबर है, समझे? जी सर। तो ये तो मैनुअल डालना पड़ता, तो मैं चाहता हूं कि मैंने जो है नंबर 8 डिजिट डाल दिया, बीच में अपने आप हैश एक्स लग जाए, तो कस्टम में यहाँ पे हमने 0000 डाला, इन्वर्टेड कॉमा में एक्स 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 एक्स, ठीक, क्लोज किया, सॉरी स्पेस दिया, फिर एक्स एक्स, फिर एक्स एक्स और फिर स्पेस देके 0400 कर दिया, समझे? जी सर। एंटर। अब तो ये तो बहुत सारे एग्जांपल बताया आपको, अब बात आती है एक चीज बताने की कि आखिर जीरो हैश का फंडा क्या है। जीरो हैश का फंडा है क्या है सर, कि एक्सेल के अंदर में आप जो है किसी भी नंबर को लिख सकते हैं, इसमें 500 लिख दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि एमआरपी 500, एमआरपी 500 रखने के बाद इस पे हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या हो गया, टेक्स्ट हो गया। मैं कहूँ 100 तो एमआरपी 500 हो, लेकिन एक्चुअल में रहे 500 ताकि हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सके, तो इन्वर्टेड कॉमा में हम यहाँ पे लिख दिए एम आर अब जीरो का हैश नहीं करेंगे, क्या होगा, प्लस एमआरपी भी। अरे सर, तो आपके माइक में प्रॉब्लम हो गया लग रहा है, तो एमआरपी अगर दिखेगा सिर्फ, अगर हम जीरो या हैश नहीं डालते,
जीरो और हैश ना डालेंगे तो क्या दिखेगा, जस्ट एमआरपी। समझे? तो इसलिए हमें जीरो हैश डालना जरूरी है। अगर मैंने यहां पे जीरो डाल दिया, एक जीरो डालने में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे इसको हमने दो जीरो डाला अब फर्क पड़ेगा, कब, जब मैं पांच लिखूंगा तो जीरो फाइव दिखाएगा। इसलिए यहां हम हैश अगर डालें तो आप एक हैश डालिए दो हैश डालिए, आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो नंबर है वही नंबर शो करेगा। ठीक है सर? हेलो अंकुर जी, अंकुर जी अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। हेलो सर, समझ में आया? हेलो समझ में आया? समझ में आया सर। तो हैश और जीरो का फंडा इसीलिए यूज किया जाता है। जी सर, हैश सिर्फ नंबर को रिफ्लेक्ट करता है और जीरो नंबर और शो करने के लिए देना ही पड़ेगा। हैश दो के कोई फर्क, काउंटिंग की कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब जीरो देते हैं तो काउंट लेगा, अगर दो दे दिया तो दो डिजिट मेंटेन करेगा, तीन दिया सर तीन डिजिट मेंटेन करेगा, तीन डिजिट मेंटेन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और करते हैं, इसे 45.60 हमने कर दिया, तो यहाँ पे तो दिया हुआ था जैसे आप। अब यहाँ पे हमने एक और यहाँ पे करते हैं कस्टम, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे देते हैं एक हैश, एक जीरो एक हैश, और फिर देते हैं यहाँ पे रुपीज डॉट जीरो जीरो और फिर पैसे, जीरो जीरो पैसे। जी सर, एंड ओके। अब इसमें हम डॉट जीरो जीरो क्यों किए, अगर यहां पे डॉट जीरो जीरो की जगह पे डॉट हैश, देखिए डेसिमल में हमेशा आप जीरो की जगह हैश मत कीजिएगा, हैश करेंगे तो जैसे मैंने लिख दिया मैंने 65 रुपए 50 पैसे, तो 5 पैसे दिख रहा है, दिख रहा है ना? जी सर, इसलिए डेसिमल के अंदर जीरो जीरो लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ जीरो और हैश क्यों दिए, हम यहाँ पे डबल जीरो दे सकते थे या सिंगल जीरो दे देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 5 रुपए मैं डालूंगा तो फर्क पड़ जाएगा। पर क्या फर्क, 05 नहीं दिखा ना? जी सर, जी सर, मतलब ठीक है 05 देखना है तो डबल जीरो कर देता हूँ, लेकिन जब सिर्फ पैसा होगा तो डबल जीरो दिखाएगा, ये गलत है। ठीक है, मैं हैश कर देता हूँ, हैश करोगे तो फिर रुपीज दिखा रहा है, ये गड़बड़ हो गई ना? जी सर, इसलिए हमने एक जीरो और एक हैश। समझ गए? जी सर। अब मान लीजिए हमने यहाँ अमाउंट लिखे 25,000 लिखा, मुझे अमाउंट को 1000 में कन्वर्ट कर, तो कस्टम मैं यहां पे क्या करूंगा, हैश कॉमा कर देता हूं। आ गया सर? जी सर। और इसमें एक चीज और है, आप लगाना चाहते हैं कोई वर्ड, इसे के लगा दिया तो के लगा सकते हो, उसी तरह से अगर अमाउंट बहुत बड़ा है तो आप मिलियंस में कर सकते हैं इसको। कैसे करेंगे तो उसको करने के लिए जो होता है 0.00 और डबल है, डबल डबल कॉमा 56.63 मिलियन। ठीक है? जी सर। इसका यूज हम करते हैं हैश के लिए। हैश के बाद आता है टाइम, डेट एंड टाइम। जैसे आज का डेट हमने लिख दिया, अब इस डेट का फॉर्मेट तो बहुत सारा है ना, लेकिन आप अपने हिसाब से ही फॉर्मेट कर सकते हो। जैसे डी डी, एक डी करेंगे तो यहां देखिए आज का डेट आएगा 1, 2, 3 के फॉर्मेट में, दो बार डी कर दिया तो क्या आ गया,
01 के फॉर्मेट में। जी हाँ, 012 फॉर्मेट में, समझ गए? जी सर। अगर तीन करते हैं तो संडे मंडे शॉर्ट में आएगा, चार करते हैं तो फुल आएगा, चार से ज्यादा भी करेंगे वही याद होगा। और फिर मैं डीडी दे दिया, फिर कॉमा, ऐसे मंथ में एम मंथ आएगा 1 2 3, 0 1 2 3, जैन फैब शॉर्ट में फुल में, और पांच दे देते हैं तो फर्स्ट लेटर ऑफ द मंथ और ईयर के। अब इसको आप अपने मर्जी से जैसे अरेंज करें, पहले ईयर लिखे, बाद में ईयर लिखे, पहले मंथ लिखे, डे लिखे, जैसे करना है कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जैसा दिखेगा और साथ जैसा डालेंगे उसी तरह से आपका शो करेगा, शो करेगा। सेम टाइम में भी होता है कि 10:30 और 45 सेकेंड हमने डाला, 10:30 और 45 सेकेंड डाला, तो एच जो हुआ मिनट, एम सेकेंड, एस एस एम मिनट और एस एस सेकेंड, आवर मिनट सेकेंड, ठीक है सर। तो यहां पे मैं एम स्लैश पी एम कर दूंगा तो ए एम पी एम आएगा। अब ए एम पी एम को पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मिनट में, तो स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने एम लिख दिया, आवर तो एच लिख दीजिए, सेकेंड तो एस लिख दीजिए, आपका कन्वर्ट हो जाएगा, समझे? जी सर। राइट जी सर। लेकिन ये सिर्फ विजुअल है, एक्चुअल है नहीं। एक्चुअल के लिए टेक्स्ट फॉर्मूला मैं बताया आपको, जी सर, हो गया जी सर। होता क्या है सर, जैसे कि आपने नाउ का फॉर्मूला लगाया ना सर, तो नाउ का फॉर्मूला डेट एंड टाइम देता है, बट मुझे चाहिए सिर्फ टाइम, तो हम यहाँ टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे कर देंगे एच एच स्लैश एम एम स्लैश सॉरी एस एस सेमीकोलन, जो देना चाहे दे दीजिए, आ जाएगा, टाइम आ गया। अगर किसी का अगर 25 मतलब कि ये है 65 घंटे 20 मिनट और 30 सेकेंड का ओवर टाइम निकला हुआ है, अब आप बोलेंगे कि मैं यहाँ आवर का फॉर्मूला लगा के आवर अलग कर लू, 17 ही आएगा, समझे? क्योंकि 24 आवर के बाद डेट बन जाता है, 24 आवर के बाद क्या बन जाता है, डेट बन जाता है। तो यहां हम देते हैं फॉर्मूला टेक्स्ट का, टेक्स्ट इसको सेलेक्ट करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में देंगे हम एच। अब देखिए 65 आ गया, जी सर, समझे? जी सर। ठीक, कस्टम फॉर्मेटिंग का पार्ट था, तो कस्टम फॉर्मेटिंग में हमने आपको चीजें बताई। अब इसमें अगला टॉपिक आता है एडवांस कस्टम फॉर्मेटिंग, तो आर्टिकल आपने पढ़ा था वो? हाँ जी सर। सारा पढ़ लिया? नहीं सर, वो अपने जो नंबर्स दिए हुए थे ना उसमें, सॉरी जो करेंसी दी हुई थी वो वाला टॉपिक पढ़ा था, और एक डॉलर साइन वाला पढ़ा था। तो पूरी टॉपिक को आज पढ़ लीजिए, कल हम बात करेंगे एडवांस कस्टम फॉर्मेटिंग के ऊपर, ठीक है ना? जी सर। अभी एडवांस कस्टम फॉर्मेटिंग में अभी भी पढ़ा सकता था, लेकिन क्या है कि अभी मैं पढ़ाऊंगा ना सर, जी सर, अभी 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 तक जो चीजें पढ़ाई ना वो हां खुल जाएगा सर। ओके ठीक है सर, ठीक है। वैसे जो आपने बताया था मोस्ट ऑफ चीजें तो वैसी हैं, जैसे जो हैश और जीरो का यूज है डेसिमल्स के अंदर,
और क्या बोलते हैं इसको, क्वेश्चन मार्क का यूज है इसके अंदर एज अ कोड जी, विद अलाइनमेंट ऑफ डेसिमल जी, ऑब्लिक का यूज हो जाता है डेसिमल को डिस्प्ले करने के लिए जी, वो चीज तो मैंने पढ़ी थी, बाकी एक बार और अच्छे से डेप्थ रीडिंग कर लेता हूँ। ठीक ठीक है सर, ठीक, ओके सर, थैंक यू।